वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से आज पूरे विश्व में एक भयावह स्थिति बनी हुई है। इस वायरस ने लाखों लोगों की जिंदगियां अपने अंदर समाहित कर ली हैं। विश्व जगत आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था के भी हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। शायद ही कोई क्षेत्र इस महामारी से अछूता रहा हो। इन्हीं क्षेत्रों में एक पर्यटन का भी क्षेत्र है जो इस महामारी से लगभग तबाह हो चुका है। महामारी के चलते घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधित होने से पर्यटन उद्योग को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने इसे सबसे बुरे संकटों में से एक करार दिया है। CII के अनुसार यह संकट तेजी से विकास कर रहे भारतीय पर्यटन उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। इससे केवल घरेलू ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। पिछले वर्ष भारत ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकांक में 34वां स्थान हासिल किया था। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल यानी WTTC के 2018 की रिपोर्ट में भारत को पर्यटन के मामले में विश्व में तीसरा स्थान मिला था। इस रिपोर्ट में 185 देशों के पिछले 7 वर्षों 2011 से 2017 तक के प्रदर्शन पर अवलोकन किया गया था। वर्ष 2017 में पर्यटन से भारत ने लगभग $23 अरब का राजस्व प्राप्त किया था, जिसे वर्ष 2023 तक $100 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि फ्रांस और स्पेन की तुलना में अधिक है। वर्ष 2017 में भारत में 1.4 करोड़ विदेशी पर्यटक आए थे, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान 7% तक का रहा। वहीं वर्ष 2019 में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद में 9.3% का योगदान दिया, जबकि 5.9% का निवेश भी प्राप्त किया। पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 4.27 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत को ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र में 10 लाख नई नौकरियां प्राप्त हुई हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2029-30 तक प्रतिवर्ष इस सेक्टर में 10 लाख नौकरियां सृजित होने का अनुमान लगाया गया था। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पर्यटन क्षेत्र में लगभग दोगुनी संख्या में महिलाएं काम कर रही हैं, जो पर्यटन क्षेत्र में समानता तथा सामाजिक न्याय को समर्थन देने का भी माध्यम रहा है। आज भारत का पर्यटन उद्योग अपने पारंपरिक क्षेत्र से निकलकर चिकित्सा और योग जैसे क्षेत्रों में फैल रहा है, जो भारत के लिए नई संभावनाओं का द्वार है। बस सरकार को निर्णय करना है कि इसे कैसे वैश्विक स्तर का बनाया जाए, जिससे भारत की तरफ विदेशी पर्यटकों का रुझान बढ़े।